लाओ ताजु शरिया जैसा पीर, अगर हिम्मत है तो एक वाकया सुन लो। 2016 का मार्च का महीना है, तीसरा हफ्ता है, साउथ अफ्रीका के नर्सिंग होम में ताजू शरिया की आंख का ऑपरेशन हो रहा है, कंप्यूटर शो कर रहा है, 8 घंटा 13 मिनट तक ऑपरेशन चलेगा। डॉक्टर ने जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहा तो ताजू शरिया ने कलाई थाम ली, कहा डॉक्टर बेहोश मत करना, कहा 50 साल पहले अगर मेरा दादा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहा था तो आज हामिद रजा का पोता अख्तर रजा पढ़ेगा। तैबा के बदरुद दोजा तुम पे करोड़ों दरुद, तैबा के शमसो दोहा तुम पे करोड़ों दरुद। आज से 60-70 साल पहले आला हजरत के बड़े बेटे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम राजस्थान के जिला उदयपुर में तकरीर करने चले और कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर रहे थे। हाथ में बहुत पुराना जख्म था, जोश में मार दिया कस के हाथ, जख्म फट गया, खुल गया मुंह, कुर्सी पर बेहोश हो गए। लोगों ने जल्दी से उठाया, रोड के उस पार ईसाई डॉक्टर का नर्सिंग होम था, भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने देखा, बोला मौलाना कब से ही बीमारी पाल रहे थे, कहा बात मत करो इलाज करो, बोला ऑपरेशन करना होगा, वीर सिंहपुर वालों मजा आएगा, तुम तैयार रहो, तैयार रहो एकदम। कहा कब से बीमारी है, कहा बात मत करो इलाज करो, कहा ऑपरेशन करना होगा जल्दी करो। डॉक्टर दौड़ा गया, ऑपरेशन का सामान लाया, चाकू कैंची ब्लेड सुई धागा। तो हुज्जतुल इस्लाम गुस्सा में खड़े हो गए, बोला पागल है कि डॉक्टर, क्या मतलब है सुई धागा चाकू कैंची ब्लेड क्या करेगा। डॉक्टर बोला पहली बार आए हो क्या, बोला हाँ हाँ, बोला हम ब्लेड से चाकू से कैंची से चमड़ा काटेंगे, गोश्त को चीरेंगे, हड्डी तक पहुंचेंगे, फासिद मादों को निकालेंगे, हाथ की धुलाई करेंगे, मरहम लगाएंगे, सिलाई करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, तब न ऑपरेशन होगा। हुज्जतुल इस्लाम ने डांट कर कहा बेवकूफ, तो काटेगा फाड़ेगा छीरेगा तो दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन उठाया, कहा मौलाना रीढ़ की हड्डी में इस इंजेक्शन को पुश करूंगा तो ऐसे बेहोश हो जाओगे कि उंगली काटने की तो बात अलग है, अगर गर्दन काट दूं तो पता नहीं चलेगा। इतना सुनना था हुज्जतुल इस्लाम ने डॉक्टर की दोनों कलाई पकड़ ली, कहा वादा कर तू मुझको बेहोश नहीं करेगा। बोला क्यों, बोला मेरा नाम हामिद रजा है, लोग हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, बोलिएगा बोलिएगा, मैं आला हजरत का बड़ा बेटा हूँ, फिर बोलिए। मेरी एक तमन्ना है कि या रसूल अल्लाह अपना चेहरा दिखा दीजिए, आज तक मैंने देखा नहीं है, तूने बेहोश कर दिया, कहीं सरकारे मदीना आ गए तो मैं दीदार से महरूम रह जाऊंगा। कहा फिर क्या होगा, बोला बगैर बेहोशी का ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं होता, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। कहा बर्दाश्त करना मेरा काम है, ऑपरेशन करना तेरा काम। बोला कैसे बर्दाश्त करोगे, सुनिए जवाब सुनिए। हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं मेरी थ्योरी पे ऑपरेशन कर। बोला तेरी थ्योरी क्या है, बोला ये बेड तुम्हारा पूरा पश्चिम है, इसको उत्तर दक्षिण कर, बिछौना उत्तर दक्षिण कर। कहा क्यों, कहा गधा इतना भी तुमको नहीं मालूम कि मेरे भारत से उत्तर मेरे सरकार का मदीना है। सुभान। कहा क्या मतलब, कहा मदीने की तरफ सर करूंगा तो मेरा मुंह काबा की तरफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और मेरा दाहिना हाथ जख्मी है, बढ़ा दूंगा। बेहोश मत करना, ऑपरेशन के लिए तैयार रहना। कहा फिर क्या करना होगा, कहा मेरे बाबा आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने मेरे नबी की शान में सलाम लिखा है, मैं उस सलातो सलाम को तरन्नुम में पढ़ूंगा, 2-3 शेर पढ़ूं तो मेरे पैरों में चूटी काटना, अगर मैं पांव खींचू तो 2-3 शेर और पढ़ने देना, फिर चूटी काटना, अगर पांव ना खींचू तो अपना काम कर जाना। कुफर दांतों तले उंगली दबाए सोच रहा है, इश्क मुस्तफा बिस्तर पे लेटा हुआ है, हुज्जतुल इस्लाम ने लेटकर सर को काबे के सर को मदीने की तरफ किया है, मुंह को काबे की तरफ किया है, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा दिया है और आंखें खोल कर कहते हैं डॉक्टर तू तैयार है। कहा आई एम रेडी, मैं एकदम तैयार हूँ। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा मैं भी तैयार हूँ और तरन्नुम से पढ़ना शुरू किया है, अगर आप सपोर्ट कर दो तो ये जलसा हावड़ा पीर बाबा के सदके में कबूल मकबूल हो जाए। कबूलो मकबूल हो जाए। हुज्जतुल इस्लाम ने पढ़ना शुरू किया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे भजमे हिदायत पे लाखों सलाम, मारे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, शरे गारे हरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। जब 3 शेर हो गया तो डॉक्टर ने चूटी काटा, इन्होंने पाँव को खींचा तो काफी डॉक्टर रुक गया है, 3 शेर और पढ़ने दिया है। हुज्जतुल इस्लाम पढ़े या रसूल अल्लाह, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, आज जे
ने संतुष्टा गनी कर दिया, मौज बारे सखावत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर जौकी रोटी खिसा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। अब डॉक्टर ने जब चूटी काटा है, जरा बराबर एहसास नहीं हुआ, आसामान लेकर आगे बढ़ा, चमड़े को चीरा है सलाम हो रहा है, गोश्त को काटा है सलाम हो रहा है, फासिद मादों को निकाला है सलाम हो रहा है, दवा लगाई है सलाम हो रहा है, सिलाई किया है सलाम हो रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है सलाम हो रहा है। अब आखिरी पट्टी बांधने वाला है, उज्जतुल इस्लाम पढ़ते हैं, ताश महशर में जब उनकी आमद हो और ताश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो डॉक्टर ने ड्रेसिंग छोड़ दिया, दोनों पांव पकड़ के झंझोड़ दिया, तो परेली का मौलाना चलो तू बाद में मदीना जाएगा, पहले कलमा पढ़ाकर मुझको मदीना भेज। सुभान अल्लाह, नारे